आपके बारे में एक और बात सुनी कि वैसे आप अपनी फीस में कोई डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन को स्टार आपकी मनपसंद हो तो हैवी डिस्काउंट भी दे देते हैं। फिर तो जेब से भी दे देते हैं। मुझे ही लेना इसके ऑपोजिट। देखो जी सर, इस फिल्म में इन्होंने पहले कम कर दी थी फीस। अच्छा जी। क्योंकि मेरे फादर का रोल ये प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। जब ये शूटिंग पे पहुंचे और उन्होंने मेरे से समीप जी ने कहानी पूरी वापस सुनाई, तो ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे बोला गया था कि तेरी माँ जिंदा है इस फिल्म में, वो मरी हुई है। मैं क्या कहते विनोद जी को भेजो वापस, मैंने वो पेमेंट की वापस नेगोशिएट। माँ है नहीं। माँ नहीं है। तो फिर वापस सरी नेगोशिएट हुआ सब कुछ। देखो जी, गिप्पी जी ने मेरे साथ वादा किया था कि जसविंदर जी आप इंग्लैंड पहुंच जाओ, इस बार आपके ऑपोजिट आपकी बीबी दीवार पे नहीं मिलेगी आपको टांगी हुई। अच्छी मुच्छी की बीवी, और वो भी उपासना सिंह। उपासना सिंह। और सच पूछो, मैं उनका इतना उपासक था उपासना जी का। अच्छा जी। जब मैं स्ट्रगलर था, मेरा मन चाहता था कि मैं इनके साथ मुझे रोल मिल जाए, कहीं से मिल जाए, छोटा मिल जाए। अच्छा जी। और परमात्मा की कृपा हुई कि एक सीरियल में जिसका नाम था काचा माचा, पहले तो सीरियल सीरियल में मैं हीरो था। अच्छा जी। वो हीरोइन थी। अच्छा जी। मेरी खुशी का कपिल जी कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा जी। भी जिसका मैं आशिक हूँ वो मेरे साथ हीरोइन है। शूटिंग खत्म हुई पहले दिन होटल में ठहरे, बगल वाला उनका रूम। अच्छा। मेरा इधर उनका परे। अच्छा जी। 10:30 बजे मैं अपने रूम में सो रहा था, अचानक सोते सोते मेरे को एक फुरना आया, ख्याल आया भी काश उपासना जी आकर मेरा दरवाजा खटकाएं। रात को 10:30 बजे माय लॉर्ड, ये बात नोट की जाए। और अंदर आए और अंदर आकर मेरे को बोले कि बल्ला जी चलो बाहर टहलने चलते हैं। अच्छा जी। मैं हजे सोच के ही हटिया सी, तुसी यकीन जाने हो 2 मिनट बाद दरवाजा ठक ठक होया, मैं दरवाजा खोलिया, सामने उपासना जी खड़े। भल्ला जी, इट्स अ फैमिली शो। उसे बता रहा हूँ, फैमिली शो है। सच्ची बात बता रहा हूँ। मजा आ रहा जो मेरे को आ रहा था वहाँ, वो ऐसी बात कर रहा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से कोई बात ना निकले। अच्छा जी। अचानक वो उन्होंने सन्नाटा तोड़ा और बोला कि जसविंदर जी, वे 97-8 की बात है, आपके पास मोबाइल फोन है? अच्छा। वहाँ किसी किसी के पास होता था उस वक्त। मैंने कहा है। कहने मैंने मुंबई अपनी मम्मी को कॉल करनी है, फोन करना है। मैंने फोन कटिया देता, 15 मिनट मेरे सामने बैठकर कुर्सी पर वो अपनी मम्मी से बात करती रही। इतनी महंगी कॉल थी, मेरा उधर भी ध्यान नहीं। मैंने कहा करती है तो करने दो। जब बात खत्म हुई, फोन मेरे को पकड़ाया, थैंक यू बोली, चली गई। और आज मैं सोच रहा हूँ, अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती, उसका हाथ पकड़ा होता, तो आज हमारा छोटा बच्चा 10वीं क्लास में होता। आजी, आजी, अल्लाह साहब, छोटा बेटा 10वीं में होता, बड़ा बेटा बड़ा एक्टर बने बैठा ये बड़ा। ये लो, कितना पुराना इश्क है अल्लाह साहब, क्या बात है। अब तो इश्क को जंगाल लग गया, अभी इतना पुराना है। ये जेलसी बोल रही है, जेलसी बोल रही है। पर ये दूरदर्शन वाला किस्सा सुनाओ ना, जब पहली बार आपका सीरियल आया, अब सेम कपड़े पहन के अगले दिन जो, जब हमने अर्चना जी काम शुरू किया दूरदर्शन पे शुरू किया, तो दूरदर्शन तब बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन बात तो छोटी थी, मतलब क्या टीवी पे आप आते थे थोड़ा बहुत। तो जिंदगी में पहली बार एक युवकों का प्रोग्राम मैंने किया, जमा तरंग। तो मैं पैदल ही चलता था, सड़कों पे घूमते थे, कोई साइकिल भी नहीं था तब। तो मैं शास्त्री मार्केट चौक जालंधर में जा रहा हूँ, पहली बार मुझे जिंदगी में किसी ने रिकॉग्नाइज किया। बंदे को कितनी खुशी होती, मुझे आज भी वो दो चेहरे याद हैं। वो एक रिक्शा पे, मैनुअल रिक्शा पे दो लेडीज जा रही हैं, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, तो एक लेडी ने पीछे देखा और साथ वाले कह रही वो लड़का जो टीवी पे आया था। दूसरी जब तक देखती तब तक वो रिक्शा टर्न कर गया। अच्छा। अब मुझे टेंशन होगी, दूसरी ने तो देखा ही नहीं मुझे। अच्छा, जाना इधर था, मैंने रिक्शा ऐसे टर्न किया, वो जितनी दूर वैन खड़ी है तो मैं कितनी दूर भाग के उधर गया। और जब मैं गया तो दूसरी वाली ने जब मुझे देख लिया, मैंने वापिस उधर गया जिधर मुझे जाना था। अच्छा कपिल, वो APJ कॉलेज में जाता था ना जी, जी ड्रामा क्लास लगाने, वहाँ पे राजेश्वरी कला संगम, तो वहाँ हमने एक प्ले किया, तो वहाँ मेरे जिंदगी में पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए। पहली बार तो हम गरीब लोग थे, हमें तो वैसे ही मतलब लड़कियां दूर से भी देखने में मतलब डर लगता था कहीं पिटाई हो जाएगी। तो वहां पे ऐसे ऑडियंस जैसे बैठे, तो शो के बाद वो यहाँ आ गई,
सबसे बड़े कॉलेज की लड़कियां, खूबसूरत लड़कियों में से दो पता नहीं क्यों गलती से मेरे पास आ गई। मैंने जिंदगी में बाय गॉड ऑटोग्राफ बुक पहली बार देखी थी। अच्छा, मेरे सामने दो ऑटोग्राफ बुक आई, बुक्स आई, मतलब रखती थी वो। तो उन्होंने मुझे, मैं परेशान हो गया, इसका करते क्या है। तो मैंने इधर उधर देखा, दो तीन और लोग दे रहे थे ऑटोग्राफ, मैंने भी पेन पकड़ा, भगवान की कसम, रब दी सौ, दो ऑटोग्राफ दिए, दोनों पे साइन अलग अलग मेरे। और वो दोनों पहले अपनी अपनी बुक देख रही हैं, उसकी देख रही हैं, फिर मेरी तरह देख। फिर उनको हुआ पे गलत ऑटोग्राफ ले लिए साले से। एक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ, जब मैं थोड़ा थोड़ा मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो पैसे भी आए थोड़े बहुत, तो मैंने 800 कार ले ली। अच्छा जी। और प्रोग्राम बना लिया फैमिली के साथ के शिमला चलते हैं। अच्छा, और सोचा कि पंजाब से ही तेल भरवा लेते हैं गाड़ी में। अच्छा जी। तो मैं गया तो जो तेल डाल रहा था गाड़ी में, छोटा सा लड़का था, वो एक हाथ से तेल डाल रहा था और टिकटिकी लगाकर मेरी तरफ देख रहा था। अच्छा जी। मैंने देख लिया कि इसने टीवी में देख लिया है, मेरे को पहचान लिया, मेरी फिल्में देखता है, कैसेट देखता है। तो उसका ध्यान मेरी तरफ, जब देखा कार फुल हो गई तो तेल बाहर गिरने लगा। तो एक तरफ कहते सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी सॉरी। मैं क्या, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात, नो प्रॉब्लम। अब मैं जाने लगा, मैं क्या, क्यों, कहीं देखा लगता है मेरे को। पता उसने क्या जवाब दिया, कहना जी इससे पहले मैं फौरा चौक वाले पेट्रोल पंप पे था, आपने वहां देखा होगा मेरे को। पाजी, कैरियन जट्टा के एक लॉयल फैन फॉलोइंग है, उन सबके सवाल हैं कुछ, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। किसकी वजह से सबसे ज्यादा रीटेक होते थे? भल्ला साहब। भल्ला क्यों, क्या रीजन? भल्ला साहब, सारी उंगलियां आपकी तरफ सी हैं। सबसे बड़ी बात, कसूर दूसरों का निकालते हैं यार, तू छींक मार दी उसने। उसने पूरा पूरी किया, तो उसने पाँव ऐसे हिला दिया। अपना डायलॉग इसलिए नहीं बोला, मुझे पता था तू भूलेगा। अच्छा। हाँ, मुझे पता था। और ये सब फ्रस्ट्रेटेड ने, क्योंकि डायलॉग मेरे चल दिया, एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट ऐसे नहीं पाया। अभी इसका क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे कपिल, एक शॉट में इन्होंने 8 रीटेक दिए, नौवीं बार अब इनको समझ में नहीं आ रहा किस पे ये कसूर डालूं मैं। तो यार ये संगा क्यों बोल रहा है इतना? गिप्पी ने बताया, बोले सर संगा का तो शूट ही नहीं, संगा तो आज आया ही नहीं है। नहीं आया तो कोई भी नहीं, उसको बोलो खामोश रहे फिर भी। सबसे ज्यादा आलसी कौन था जो सेट पे हमेशा लेट होता था? बाजी। अब आपके गुरु अपने बारे में हम क्या बोले? ऐसे आप बचाई मैं हूं तो मेरे पे डाल दे। अब कपिल के गुरुजी के बारे में हम क्या बोले? अच्छा, सेट पे सबसे ज्यादा दोस्त किसके मिलने आते थे? कुगी पाजी के दोस्त तो सारी दुनिया में मिलने आते हैं, मतलब जितने दोस्त कुगी पाजी जी के हैं मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा। और ये कहीं पे भी बैठे हो, मतलब अभी भी इनको कोई फोन आ जाए कि पाजी एक डीसी के साथ काम है, उस फलाने बंदे का, हमारे चाचे की बुआ का, ऐसे से ऐसे हो गया, ये सारा कुछ छोड़ के उसको सीरियसली लेके पहले उसका काम करेंगे। अच्छी बात है। सबसे ज्यादा फालतू गप्पे मारने वाला होता ना कि गप्पी ग्रेवाल जी, गप्पी ग्रेवाल। यू नो, गिप्पी जी अपना एक ग्रुप सा बनाते हैं जिसमें बीनू जी है, करमजीत जी हैं, और ऑफ कोर्स भल्ला साहब हैं, और इनकी मिनिमम 45 मिनट्स रोज, जब तक गप्पे ना हो तो शूटिंग नहीं, ये लोग जोश से करते हैं। कैरी ऑन जट्टा उन गप्पों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन। हां, इम्प्रोवाइजेशन, गप्पे और गिप्पी के बिना। हां, चलिए इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं। गिप्पा जी, आप शुरू से सिंगर बनना चाहते थे, आप बाद में एक्टर बने, पहले आप सिंगर थे? नहीं भाजी, मैं तो सब कुछ ही एक्सीडेंटल हुआ जी। हैं? आपको पता है, आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार मैं कुकी पाजी की वजह से हुई थी। मैं और कुकी पाजी के साथ हम लोग गए थे एक शो पे, और चंडीगढ़ के आसपास कोई शो था, तब कुकी पाजी आपकी तारीफ कर रहे थे, आपका वो गाना आया था नया नया, डैंग डैंग, कौन सा था? फुलकारी। हाँ, फुलकारी गाना आया था, तो कुकी पाजी आपकी तारीफ, मैं पीछे खड़ा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इसी के सपने देखे थे, कोई और काम मिला नहीं तो मैं गाने लग गया। अच्छा। बट ये था कि मैं मेहनती बहुत था, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो गाना आ गया, वो बहुत बड़ा हिट हो गया, तो चीज़ें चलती रही। उसके बाद पंजाब में ऐसा दौर था कि जो सिंगर हो जाता था हिट, उसको फिल्में ऑफर होने लग जाती थी। तो सीखते सीखते फिर फिल्म की पहली फिल्म, सारी टीम अच्छी मिली, बीनू जी, कुकी पाजी, मतलब मेरी लक अच्छी थी कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग थे कि अगर मैं कुछ बुरा करता था तो वो सब ठीक करवा देते थे। तो आज यहाँ तक आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में आप जो भी करते हैं, मुझे लगता है कभी भी कोई भी कुछ किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मुझे कुकी पाजी की बात याद है, कहते जब मैं स्कूल में था तो मैं कुछ कुछ जोक्स लिखता रहता था, तो किताब भरी पड़ी थी मैंने, कॉपी अपनी, पूरे रजिस्टर भरा हुआ था, लेकिन जब इनका टाइम आया, जब
बड़ी बड़ी कैसेट कंपनीज जो इनको अप्रोच करने लगी, तो वही जो टाइम वेस्ट लगता था वही लाखों करोड़ों में बिके। आई थिंक कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती बाजी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, आपके चहेते स्टार सामने बैठे, किसी को कोई फरमाइश करनी हो? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम जीत है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मैं कविता मैम से एक मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपके साथ आए पाजी भी जो बैठे हुए? ये मेरे साथ ही है। अच्छा, साथ मतलब आपकी फैमिली से है? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, तभी गुस्से से देख रहे थे आपको, प्यार से देख रहे थे, सॉरी। जी जी कविता मैम जी, आपने वो FIR में जो इंस्पेक्टर चौटाला का रोल किया है ना, उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति का भी इंटरोगेशन करें। पाजी सोच रहे हैं इधर ही करना है कहीं और। एक्चुअली क्या है, हमें घूमने का बहुत शौक है। अच्छा जी। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो घर से तो साथ में निकलते हैं, लेकिन बाहर जाके ये पता नहीं बंदा कहाँ गायब हो जाता है। तो इतना परेशान हो जाती हूँ मैं कि कहाँ है। बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे अपने पापा हैं या अडॉप्टेड पापा। अडॉप्टेड पापा। कविता जी, ऐसा है कि मैं बचपन से ही बहुत सुंदर हूँ। आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। हमें घूमने का बहुत शौक है, तो जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो हमारी प्यारी सी बी जो है शॉपिंग की बड़ी शौकीन है। अच्छा जी। तो ये तो सारा टाइम शॉपिंग में लगा देते हैं, और मैं नेचर और हरियाली में ज्यादा रहता हूँ। नेचर और हरियाली किसको कहते हैं आप? अंडरस्टूड है जी। नेचर और हरियाली। बाहर की हरियाली नजर आती है, घर के बाग बगीचे और बच्चे नहीं नजर आते। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने किराए पे लाई हुई इनको। सो प्लीज मैडम, आप कुछ करिए, इनका इंटरोगेशन करिए। आप दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। इंटरोगेशन नहीं, आई थिंक ये जो दोस्ती कायम है ना आप दोनों की, दैट शोज कि आपस में कितना प्यार है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिया जी, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।